राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद आचार संहिता लगने से पहले ही उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हो चुके हैं। और इसी चरण में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी तहसील मालाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासत का बड़ा खेल उस वक्त देखने को मिला जब रेलवे विभाग की ओर से जयपुर खैरथल एक्सप्रेस का ठहराव मालाखेड़ा स्टेशन पर शुरू किया गया। दोनों पार्टियों में इसका श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुके, इससे फायदा यात्रियों को होता है, लेकिन अलवर ग्रामीण में आने वाले मालाखेड़ा तहसील रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन सियासी नफे नुकसान की ट्रेन बन चुकी है। दरअसल शनिवार से जयपुर खैरथल स्पेशल ट्रेन का ठहराव मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ है। ट्रेन के ठहराव को लेकर रेल विभाग ने रेलवे स्टेशन पर ही कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मौजूद कांग्रेस सांसद करण सिंह यादव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल का तो आभार जताया, लेकिन सीएम राजे पर तंज कस गए। मैंने सांसद बनते ही माननीय पीयूष गोयल जी से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया अपनी डिमांड को लेकर के, और उन्होंने मुझे वादा किया कि एक एक करके उन ट्रेनों को रोकेंगे। बड़े अच्छे मन के आदमी हैं, पार्टी भले विपक्ष की हो, और रेल की जोनल कमेटी की मीटिंग में डिविजनल कमेटी की मीटिंग अभी पिछले दिनों हुई थी, तो पिछली मीटिंग में भी रेल प्रशासन ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ये तो हमारी अपनी गाड़ी है। इस औपचारिक कार्यक्रम में हालात ऐसे पैदा हुए कि रेलवे की ओर से बनाया गया मंच सियासी दंगल में बदल गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ट्रेन के ठहराव को लेकर अपनी अपनी पार्टी को श्रेय देने की होड़ लग गई। सांसद करण सिंह यादव को दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा कि ट्रेन रोकना राज्य सरकार के हाथ में नहीं, केंद्र की योजना है। देखिए, बहुत अच्छी सौगात यहाँ अलवर में मिली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सांसद डॉक्टर करण सिंह जी के अथक प्रयासों से मालाखेड़ा में इस ट्रेन का ठहरा हुआ है। इसके लिए मैं एमपी साहब को भी, रेल मंत्री जी को, और मालाखेड़ा विकास समिति जिसने लगातार इस ट्रेन के लिए प्रयासरत थे, और अभी करीब एक महीने पहले तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के अंदर नाराजगी भी थी कि आप ये काम हमारा कराइए, तो इस काम कराने में एमपी साहब सफल हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। इस पूरे ट्रेन का लाभ पूरे मालाखेड़ा ही नहीं अभी तो आसपास के सभी गांवों में मिलेगा। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर खैरथल जयपुर स्पेशल ट्रेन रोकने की ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब जब ट्रेन रुक रही है तो करीब 150 गांव के लोगों को इसका फायदा होगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रिय और माननीय डॉक्टर करण सिंह जी को, जिन्होंने हमारी मालाखेड़ा जनता की जो बहुत पुरानी मांग थी, इस मांग में हमारे विकास मंच के जो सदस्य हैं, 20 कमेटी के 31 सदस्य थे, उन्होंने भी इस मांग को पिछले 5 सालों से कंटिन्यू उठा रखा है। जिन पूरी जनता की भावनाओं की कदर जो डॉक्टर साहब ने की है, और भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो ट्रेन का ठहराव करवाया है, उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत डॉक्टर साहब को।